मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गुरु साहिबान ने देश, समाज और धर्म की रक्षा करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। इन कुर्बानियों के कारण आज हम खुली हवा में आजादी की सांसें ले रहे हैं। इन शहीदों के जीवन से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेकर समाज और देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारा साहिब में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी द्वारा वीर बाल दिवस छोटे साहेब जादू की शहादत को समर्पित समागम कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी, हरियाणा के मुद्रण एवं लेखन राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक सुभाष सुधा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और रक्तदाताओं को बैज लगाकर वे प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छोटे साहिब जादव बाबा फतेह सिंह व बाबा जोरावर सिंह तथा गुरु साहिबानों की कुर्बानियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और समागम कार्यक्रम में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका। यहां पर सभी को कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तलवार व सरोपा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि साहिबे कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, साहिब जादों और माता गुजर कौर की शहीदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु साहिबान द्वारा धर्म की रक्षा के लिए दी गई कुर्बानियों की वजह से ही आज हम खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुगल शासकों के अत्याचार के खिलाफ सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने दो साहिब जादों को जंग में कुर्बान कर दिया और दो साहिब जादों को धर्म व कौम के लिए स्वयं को दीवार में चिन्हवाकर कुर्बानी दी। स्वतंत्रता के बाद सिख कौम देश व समाज के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी ने गुरु साहिबान की शहादत को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ही पूरे देश में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। गुरु साहिबान ने देश और समाज की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। आज युवा पीढ़ी को इन कुर्बानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार के समागम कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को देश के इतिहास, गुरु साहिबान की कुर्बानियों को जानने का अवसर मिला है। आज कुरुक्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में समागम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने छोटे साहिबजादों को नमन करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को अपने प्राचीन इतिहास को फिर से याद करना चाहिए। इस इतिहास को याद करके देश और प्रदेश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में छोटे साहिबजादों की शहादत को लेकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही साहब में ऐतिहासिक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को गुरु साहिबान की शहादत को जानने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में हरियाणा कमेटी के मेंबर बाबा बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि हमें साहिब जादों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके बलिदान को याद करते हुए सदैव अपने बच्चों को साहिब जादों के जीवन इतिहास की जानकारी देनी चाहिए। समागम में मंच का संचालन गुरुद्वारा थड़ा साहिब जीवनहेड़ी यमुनानगर के मैनेजर हरकीरत सिंह ने किया। कार्यकारिणी समिति मेंबर बीबी रविंदर कौर अजराणा ने आए हुए अतिथियों एवं संगत का आभार जताया। उन्होंने साहिब जादों और माता गुजर कौर की शहीदी को सजदा करते हुए कहा कि इस कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने संगत से आह्वान किया कि वह अपने बच्चों को साहिब जादों के शहीदी स्थलों के दर्शन जरूर करवाएं। यही नहीं, बच्चों को साहिब जादों के जीवन एवं शहीदी इतिहास की भी जानकारी दी जाए ताकि उन्हें भी गौरवमय इतिहास की जानकारी हो सके। इस मौके पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बतान, जिला परिषद की अध्यक्ष कमलजीत कौर, उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के महासचिव रमनीक सिंह मान, बाबा सुखा सिंह करनाल कार सेवा वाले, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा दर्शन सिंह कार सेवा वाले, हरियाणा कमेटी की कार्यकारिणी सदस्य बीबी रविंदर कौर अजराणा, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा, बीबी करतार कौर, कार्यकारिणी समिति मेंबर गुरबख्श सिंह यमुनानगर, सरदार बलविंदर सिंह, हरियाणा कमेटी के मेंबर बाबा बलजीत सिंह दादूवाल, साहब सिंह कैथल, सुखविंदर सिंह मंडेडर, गुलाब सिंह मूनक, कवलजीत सिंह अजराणा, सुखविंदर सिंह तुर, टीपी सिंह, सुदर्शन सिंह सहकल, स्पोक्समैन कवलजीत सिंह अजराणा, नरेंद्र सिंह गिल, तेजेंद्र सिंह मक्कड़, हरियाणा कमेटी के चीफ सेक्रेटरी जसविंदर सिंह दीनपुर, एडिशनल सेक्रेटरी राजपाल सिंह दुनिया माजरा, नरेंद्र सिंह, निजी सहायक रूपिंदर सिंह, बलजीत सिंह चट्ठा, उप सचिव सतपाल सिंह, अमरिंदर सिंह, मैनेजर जज सिंह, लेखागार हरमीत सिंह, कैशियर सुखविंदर सिंह, कुलदीप सिंह आदि अन्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि वीर बाल दिवस समागम में ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी में लगाए गए खूनदान शिविर में 324 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में रक्तदाताओं को हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जथेदार भूपिंदर सिंह असंत, महासचिव रमनीक सिंह मान, बाबा सुखा सिंह कार सेवा वाले, कार्यकारिणी समिति मेंबर बीबी रविंदर कौर अजराणा, गुरबख्श सिंह यमुनानगर, पूर्व विधायक बख्शी सिंह व कंवलजीत सिंह अजराणा ने प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। शब्द कीर्तन से संगत को जोड़ा गुरु इतिहास से। बालवीर दिवस समागम में प्रसिद्ध रागी भाई जगजीत सिंह बिम्बिया ने शब्द कीर्तन किया। रागी जट्ठे ने
नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, साहिब कमाल सरबंद अली, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, चारों साहिबजादों और माता गुजर कौर की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया। यही नहीं, उन्होंने कीर्तन के साथ साथ नाम सिमरन भी कराया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी के हजूरी रागी भाई मलिंदर सिंह ने शब्द कीर्तन किया। शहीद बाल दिवस के अवसर पर मैं उन सब वीर बालक जिन्होंने देश और कौम और समाज के लिए शहादत दी है, सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और समाज हमेशा उनके जीवन से प्रेरणा लेता रहे, यही प्रभु से कामना करता हूं। आज इस अवसर पर मैंने स्वयं आकर के छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में आकर के उनके चरणों में नमन किया है और यह प्रभु भगवान से, प्रभु से ये प्रार्थना की है कि सारे समाज को प्रेरणा मिले। राष्ट्रपति जी को आपत्तिजनक शब्द फिर उदयभान जी ने बोले हैं, उन्होंने बड़ा आपत्तिजनक शब्द बोला। देखिए, आज हम एक श्रद्धा स्थान पर हैं, इस प्रकार के राजनीतिक बातों के लिए हम 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रारंभ लेकर क्या होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, ये बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का अवसर दिया के अंदर भव्य कार्यक्रम, देश के अंदर आज भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भी बाल दिवस का आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के अंदर अभी आने वाले हैं और इस इतिहास को हमें याद करना चाहिए, इस इतिहास को हमें आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए। ये हमारा ऐसा इतिहास है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार है, हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का उन्होंने संरक्षण किया। हम देख रहे हैं आने वाली हमारी पीढ़ियों को, जो मुगलों ने अत्याचार किए, उस अत्याचार के बारे में हमें बताना भी चाहिए, उस इतिहास के बारे में, कि आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास को जाने कि किस प्रकार का अत्याचार को मुगलों द्वारा किया गया था। और उस इतिहास को जब वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर हर जगह पर उन वीर बालकों की हर खबर। नामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उदवा की रिपोर्ट।